वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए होम रेमेडी लेकर आई हूँ हेयर केयर के ऊपर। बहुत टाइम से मैं होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं मेकअप नहीं कर पा रही थी। मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मैं मेकअप बिल्कुल ही अवॉइड कर रही थी। अभी भी है मेरी आई में इन्फेक्शन, बट उतना ज्यादा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप घर पे ही हेयर स्मूथनिंग किस तरह से कर सकते हो, सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों को बता दूं कि बाजार में यानी कि मार्केट में जो हेयर स्मूथनिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल का यूज होता है, जिससे एक ही बार में हमारे जो हेयर हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं और स्मूथ लगने लगते हैं। लेकिन जो हमारी होम रेमेडीज होती है ना वो धीरे धीरे वर्क करती है, लॉन्ग रन में वर्क करती है, यानी कि आने वाले टाइम में ना आप लोगों को बिल्कुल भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहर से जो हम स्मूथनिंग करवाते हैं उससे हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, रिबॉन्डिंग से हो जाती है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करते हुए आप अगर घर में खुद से ही हेयर स्मूथनिंग करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। तो आइए अब जल्दी से ना मूव ऑन कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, विच इज कम्प्लीटली फ्री। नाउ मूव ऑन टू वीडियो। होम रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है कर्ड यानी कि दही की। मैंने यहाँ 5 से 6 चम्मच ली है अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एग, जो लोग एग यूज़ नहीं करते हैं वो एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिया है हमने ऑलिव ऑयल, जिसको हम जैतून का तेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफाइड होता है और हमारे हेयर और स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ यूज़ किया है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के बाद हम यूज़ कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर। मार्केट में एक येलो कलर का कॉर्नफ्लोर भी आता है, हमें वो वाला नहीं लेना है, हमें ये वाइट वाला लेना है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ यूज़ किया है वो यूज़ किया है लेमन। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बचे और अच्छे से एप्लीकेशन हो सके। कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा बेटर मिल सके। सारे के सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं और अब ये एक क्रीम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें अप्लाई कैसे करना है, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर की कंडीशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को पहले अच्छे से सुलझा लूँगी। मैंने सारे के सारे बाल ना डीटेंगल कर लिए हैं ताकि लगाने के बाद मेरे बाल बिल्कुल भी ना टूटे। उसके बाद मैंने अपने हेयर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है और अब मैं इसको अपने जड़ों से लगाना स्टार्ट कर दूँगी। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं कि क्या हम इसको अपनी जड़ों में भी लगा सकते हैं, तो यस हम इसको अपने पूरे के पूरे बालों में लगा सकते हैं, जड़ों से लेकर और जितनी भी हमारी लेंथ होती है, टिप्स होती है, वहाँ तक। पहले लेयर बाय लेयर हमें जड़ों में लगाना है, मतलब स्कैल्प पे, उसके बाद आपको अपनी हेयर लेंथ में लगाना है। एक और क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं कि क्या हम इसको अपने तेल वाले बालों में लगा सकते हैं, यानी कि हमने अगर रात को ऑयलिंग की है और मॉर्निंग में इंग्रेडिएंट या रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, हमें बिल्कुल भी अपने ऑयली बालों में किसी भी होम रेमेडी को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो फिर रेमेडी हमारे जड़ों तक अच्छे से नहीं पहुँच पाती है और उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें मिक्स किया है दही, जो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है, हमारे बालों को मॉइस्चर देता है और उन्हें सॉफ्ट भी बनाता है। साथ ही साथ अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी है ना तो दही से वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है एग। एग हमारे बालों के लिए मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है कि कंप्लीट डाइट है। अगर आप अपने बालों में एग लगाते हो ना तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हेयर फॉल की और ना ही डैंड्रफ या फिर कैसी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब जो एग नहीं लगा सकते हैं वो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, जो प्लांट वाला होता है, वो वाला एलोवेरा जेल लीफ में से निकाल कर एकदम फ्रेश। नेक्स्ट इसमें ऐड किया है मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन इसलिए लिया है क्योंकि वो और भी ज़्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म होती है कोकोनट ऑयल की, जो हमारे बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फिर हमने ऐड किया है ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, जो दोनों के दोनों ना हमारे बालों को ग्रोथ प्रमोट करते हैं हमारे बालों की और हेयर फॉल से भी रोकते हैं। तो ये लगाने के बाद आपको
एक घंटे तक छोड़ देना है, और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से और कंडीशनर से अपने बालों को वॉश कर लेना है, और ये है फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हैं शाइन मेरे बालों की। गाइस अभी आप लोगों को मेरे हेयर दिख रहे हैं ना, तो मुझे मेरे हेयर बहुत ही ज्यादा स्मूथ, सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट और स्ट्रेट लग रहे हैं। आपको ये वाली रेमेडी वंस इन अ वीक ट्राई करनी है। आप अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। इवन इसमें जो मैंने कैस्टर ऑयल मिलाया है वो आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, तो इससे आपका हेयर फॉल भी स्टॉप होगा। और फ्रेंड्स, गिव अवे का विनर मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गिव अवे विनर है अमृता कुमारी। इंस्टाग्राम हैंडलर है उनका वर्णा अमृता, तो इनका जो गिफ्ट है वो जल्दी से जल्दी मैं उनको पहुंचाने वाली हूँ। लेकिन आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।